नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लिटिल लर्नर्स क्लब। आज हम देखेंगे कि हम अपने बच्चों को टेंस और वंस कैसे पढ़ा सकते हैं। ये टॉपिक इंट्रोड्यूस हमें क्यों करना पड़ता है। टेंस और वंस जो है बच्चों के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है सिखाने के लिए, क्योंकि जब तक सिंगल डिजिट नंबर रहता है तब तक हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है बच्चों को टेंस और वंस बताने के लिए। सिंगल डिजिट नंबर्स रहते हैं वन से लेके नाइन तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये सब सिंगल डिजिट नंबर्स रहते हैं। पर जब जैसे ही सिंगल डिजिट से बच्चा टू डिजिट नंबर पे आता है, जैसे कि 1, 0, 10, तो ये हो गया टू डिजिट नंबर, 11, 12, 13, ये जो है टू डिजिट नंबर्स हैं। तो जैसे ही बच्चा टू डिजिट नंबर्स पे आता है तो हमें उन्हें बताना पड़ता है कि इसमें टेंस कौन से हैं और वंस कौन से हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं और देखते हैं हम अपने बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं कि टेंस और वंस क्या होता है। सबसे पहले बच्चों को सिंगल डिजिट नंबर आने चाहिए और उसका थोड़ा सा रिवीजन ले लें आप। जैसे ही आप रिवीजन ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनका सिंगल डिजिट का कंसेप्ट क्लियर है। सिंगल डिजिट नंबर्स जैसे कि हम लोग पहले देखेंगे काउंट एंड राइट, 1, 2, 3, 4, ये एक रिवीजन हो गया। मतलब इससे हमें पता चल जाएगा बच्चे को ये आता है, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखिए कितने स्टार्स हैं, 1, 2, 3। अच्छा अभी बताओ कितनी आइसक्रीम्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ऐसे हम अपने बच्चे का रिवीजन ले सकते हैं। और एक बार जब रिवीजन हो जाता है तो बच्चे को हम टू डिजिट का जो है बताते हैं कि आप अभी इसको फिर से एक बार काउंट करके लिख के बताइए कि आपको टू डिजिट नंबर्स भी आते हैं कि नहीं। कम ऑन, लेट्स काउंट हाउ मेनी एग्स आर देयर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हो गया 10। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये भी हो गया 10। तो 10 + 10 ये हो जाएगा 20। नाउ लेट्स सी कितनी अम्ब्रेलास हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। तो बच्चे को आप ऐसा पहले रिवीजन ले लें और उसके बाद हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने बच्चे के साथ वंस और टेंस। फिर जब हमारे पास टू डिजिट नंबर आ जाता है, जैसे ये है टू डिजिट नंबर 1, 0, 10, दिस इज़ द नंबर। अभी जो भी टू डिजिट नंबर्स रहते हैं उनको प्लेस रहती है टेंस की और वंस की। हम 10 को कैसे लिखेंगे, टेंस प्लेस पे लिखेंगे 1, वंस प्लेस पे लिखेंगे 0। तो अभी ये नंबर में हाउ मेनी टेंस आर देयर, 1 टेंस आर देयर 1, एंड हाउ मेनी वंस आर देयर, इट्स 0। सो फिर से हम बच्चों को वैसे सिखाएंगे जैसे कि अभी ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो आप बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं कि आप इनका एक ग्रुप बनाइए, ये देखिए इनका ऐसे एक 10 का ग्रुप बनाइए, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर इसका ग्रुप बनाइए।
ओके तो अभी कितने टेंस हैं, एक टेंस है और फिर दूसरा भी टेन है, तो ये दो ग्रुप्स हो गए। तो हम लोग कितने टेंस बोलेंगे, हम लोग टू टेंस बोलेंगे। और कितने वंस बोलेंगे, हम ज़ीरो वंस बोलेंगे। तो इसीलिए ये आया टू टेंस एंड ज़ीरो वंस, तो हुआ 20। सिमिलरली हम बच्चे को और रिविजन लेंगे और समझाएंगे एग्जाम्पल्स देके, जैसे कि अभी ये हाउ मेनी स्टार्स आर देयर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसका एक ग्रुप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसका ये दूसरा ग्रुप, 10 का ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 ये है तीसरा ग्रुप। तो अभी 10 के कितने ग्रुप्स हुए, 3 ग्रुप्स हुए। जब 3 10 के ग्रुप्स हुए तो कितने टेंस हुए, 3 टेंस, 1 10, 2 10, 3 10 तो कितने 10 हुए, 3 10 एंड 0 वंस। ठीक है, तो बेसिकली हमें बच्चे को ये सिखाना है कि जब हम ये ग्रुपिंग कर रहे हैं, 10 चीज़ों की जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो एक 10 बनता है। 10 चीज़ों की जब हम ग्रुपिंग करते हैं, जो 10 चीज़ें हैं, 10 10 वंस हैं, जब हम उन्हें ग्रुप करते हैं तो हमको मिलता है 1 10। वैसे ही हम बच्चे को बाकी सिखाएंगे टेंस और वंस कैसे सिखा सकते हैं। ये देखिए, ग्रेप्स को काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे 10 ग्रेप्स का एक बंच है और बाकी है 1। तो कितने टेंस हैं, 1 10 है। कितना टेंस है, 1 10 है। और कितने वंस हैं, 1 1 है। तो 1 10s and 1 1 नंबर इज 11। सिमिलरली कितने ग्रेप्स हैं अभी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये है 10 का बंच और दूसरा है 2 ग्रेप्स, सो 2। तो कितने टेंस हुए, ये है 1 10 का एक ग्रुप और ये है 2 वंस, तो नंबर क्या हुआ, 1 10s and 2 1s सो द नंबर इज 12। आगे जाएंगे तो ये 10 का एक ग्रुप है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 10 ग्रेप्स एंड 3 ग्रेप्स, सो 10 का एक बंच है, हम लोग बोलेंगे 1 10s and 3 1s तो हुआ नंबर 13। सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 10 का एक बंच, ये 2 का एक बंच और ये 2 का एक बंच, तो हुआ 1 10 and 4 1s सो द नंबर इज 14। ठीक है, अभी हम बच्चों को बोलेंगे ग्रुप कीजिए टेंस एंड वंस में और फिर वो नंबर जो बनता है वो बॉक्स में लिखिए कि टेंस में क्या आएगा और वंस में क्या आएगा, ये हम बच्चे को बोलेंगे। सी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 10 का एक ग्रुप बन गया, तो हम बच्चे को बोलेंगे आप इसको ऐसा एक बंच में रखिए, दिस इज 10 वंस। ठीक है, सो दिस इज 1 10। ओके, सो अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिस इज
another group. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is third group. So there are 1, 10, 2, 10, and 3, 10. There are 3, 10, but उसके अलावा कुछ है और कुछ भी नहीं है, तो इसलिए 0 ones. तो यहाँ पे क्या आएगा, tens में 3 tens आएगा और ones में आएगा 0. So the number is 30. ऐसे हम अपने बच्चे को बता सकते हैं और हम ऐसे फिर उनका रिविज़न ले सकते हैं, उनको और ऐसे सम्स दे सकते हैं ताकि बच्चा समझ सके और फिर प्रैक्टिस करके इनको ये टॉपिक समझ में आ जाए. नाउ लेट्स सी हाउ मेनी बटरफ्लाइज आर देयर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अभी ये 10 का बंच है. सी ऐसा बच्चे को आप ना ग्रुपिंग सिखाएं. ये 10 का एक बंच हुआ, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये 10 का दूसरा बंच. ये 1 bunch, ये 2 bunch. तो 2 tens. बाकी कितने बचे, 1, 2, 3. सो द नंबर इज 2, 3, 23. यहाँ पे कितने वंस बाकी बचे, 3 ones बचे. 1, 2, 3. तो इसीलिए नंबर इज 23. आगे देखते हैं, 10 का बंच बनाते हैं हम. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सी ये हो गया एक बंच. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 का तो बंच बनेगा ही नहीं, सो यहाँ पे 1 10. ओके, एंड हाउ मेनी वंस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ones. सो द नंबर इज 18. नाउ लेट्स सी आगे हम कैसे बता सकते हैं. 20 ones. अगर 20 ones हैं तो उसमें कितने ग्रुप्स रहेंगे 10 के. आप बच्चे को बोल सकते हैं आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए. अगर 20 ones हैं तो सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो ये 2 bunch हुए, तो मतलब हुआ कितना, 2 tens. कितने हुए, 2 tens. सिमिलरली 40 ones, मतलब 4 tens. 30 ones, मतलब 3 tens. 50 ones, मतलब 5 tens. आगे देखते हैं. अभी काफ़ी टाइम काफ़ी जगहों पे अबैकस को भी यूज़ करके सिखाया जाता है टेंस एंड वंस. लेट्स सी हम अबैकस को यूज़ करके कैसे बताते हैं अपने बच्चे को, कैसे सिखाते हैं. सी ये है अबैकस की 2 rods. ये है टेंस का रॉड, ये है वंस का रॉड. ये है टेंस का रॉड, ये है वंस का रॉड. अभी ये नंबर है 10, तो यहाँ पे आएगा 1 beat और यहाँ पे आएंगे 0 beats. तो हो गया नंबर 10. अगर हमको 23 रिप्रेजेंट करने का है तो यहाँ पे आएंगे 2 beats और यहाँ पे आएंगे 3 beats. तो यहाँ पे नंबर बन गया 10, यहाँ पे नंबर बन गया 23. सिंपल. वैसे ही हम बच्चे को ये इस तरीके से भी प्रैक्टिस दे सकते हैं. राइट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. सी 19, उसमें कितना है, 1 10 and 9 ones. 1 10 and 9 ones. सिमिलरली 38, सो 3 tens. एंड 8 ones. यहाँ पे नंबर है 43, सो 4 tens. एंड
थ्री वंस, ठीक है। और फिर बच्चे को ये भी बोल सकते हैं कि आप मैच द फॉलोइंग कीजिए, मैच कीजिए पेयर्स को। अब यहाँ पे कितने हैं, टू टेंस एंड टू वंस। अब यहाँ पे चेक कीजिए कहाँ पे है, यहाँ पे है टू टेंस टू वंस, वन टेन फाइव वंस, वन टेन फाइव वंस, फोर टेंस थ्री वंस, फोर टेंस थ्री वंस, थ्री टेंस सेवन वंस, थ्री टेंस सेवन वंस। इस तरीके से आप अपने बच्चे को प्रैक्टिस दे सकते हैं। सी, इसके अलावा हम ये तरीके से भी बच्चे को बोल सकते हैं कि आप प्रैक्टिस कीजिए अबैकस को यूज़ करके। जैसे कि अभी अबैकस पे हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर 50, तो कितने टेंस हैं, फाइव टेंस हैं, ज़ीरो वंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फाइव बीट्स ड्रॉ करेंगे, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, और यहाँ पे कुछ भी नहीं। सिमिलरली यहाँ पे नंबर रिप्रेजेंट हमको करना है 29, तो हम कितने टेंस ड्रॉ करेंगे, वन टू, और कितने वंस हैं, नाइन वंस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, ठीक है। नौ हमको रिप्रेजेंट करना है 34, सो कितने टेंस हैं, थ्री टेंस, वन टू थ्री, और कितने वंस हैं, फोर वंस हैं, वन टू थ्री एंड फोर। सिमिलरली अगर हमको नंबर रिप्रेजेंट करना है 12, तो कितने वंस हैं, वन टेंस हैं, वन टेंस एंड टू वंस, वन टू। दूसरा है ये, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। अभी यहाँ पे है वन टेन एंड सिक्स वंस, वन टेन एंड सिक्स वंस, फोर टेंस एंड थ्री वंस, फोर टेंस एंड थ्री वंस, तो नंबर बना 43, टू टेंस एंड नाइन वंस, सो नंबर बना टू टेंस नाइन वंस 29, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे का रिवीजन ले सकते हैं और उन्हें पढ़ा सकते हैं, ये टॉपिक बता सकते हैं टेंस और वंस का, कि टेंस और वंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ग्रुपिंग उनको सिखाइए, और उसके बाद इस तरीके से आप उनका प्रैक्टिस ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो या और कोई भी कमेंट्स हो, तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।